दोस्तों, गोरिल्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। देखने में ये काफी भयानक से लगते हैं, जिन्हें देखकर ही डर लग जाए। ऐसे में गोरिल्ला अपना सीना पीटते हैं, ये तो कई लोगों ने देखा है। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टडी भी की है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको गोरिल्ला और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब फैक्ट बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि गोरिल्ला अपनी सेटिंग कैसे करता है, कैसे वो मादा गोरिल्ला को इम्प्रेस करता है। दोस्तों, जैसे इंसानों को लड़की पटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही गोरिल्ला को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, फीमेल गोरिल्ला को इम्प्रेस करने के लिए इसके लिए सीना पीटते हैं, जिसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जितना बड़ा नर गोरिल्ला होता है, उतनी तेजी और शक्ति से वो अपना सीना पीटता है। इससे वो दूसरों को बताता है कि वो कितना शक्तिशाली है। इसी के जरिए वो मादा गोरिल्ला को रिझाता भी है। दोस्तों, घने ट्रॉपिकल जंगलों में ये संपर्क का एक अहम जरिया है। नर गोरिल्ला दोस्तों इतना तेज सीना पीटते हैं कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है। जर्मनी के लिए प्रोजेक्ट में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के एडवर्टरी ने कहा कि नर दूसरे प्रतिभागियों को इस तरह से चुनौती देते हैं और मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। पहली बार इस बात की पुष्टि की गई है कि सीना पीटना शरीर की विशालता को दर्शाता है। दोस्तों, एक गोरिल्ला सोसाइटी में एक नर गोरिल्ला और एक मादा होती है। प्रजनन के लिए मादा एक समूह से दूसरे समूह में जाती है और नर उन्हें आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। नर गोरिल्ला शरीर के आधार पर ही लड़ने और प्रजनन करने की क्षमता आंकते हैं, इसीलिए ये बचपन से सीना पीटना सीख जाते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट में छपी रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि बड़े गोरिल्ला भारी आवाज निकालते हैं, इसे वो फेक नमाई कर सकते हैं। माना गया है कि ये आवाज उनके वॉइस बॉक्स में एयर सैक्स के आकार पर निर्भर करती है। अलग अलग गोरिल्ला अलग अलग समय के लिए बीट पैदा करते हैं, यानी इसके आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। जब मादा गोरिल्ला को सेक्स करने की इच्छा होगी तो वो अपने होठों को स्पर्श करेगी और ये नर को बुलाने का संकेत है। उसके बाद भी यदि नर जवाब नहीं देता तो उसके पास पहुंचकर उसको थप्पड़ भी मार सकती है। दोस्तों, नर मादा के पास आकर उसे प्रदर्शित करते हुए या उसे छूकर और उत्तेजित करते हैं। बाकी कई जंगली जानवरों की तरह गोरिल्ला का प्रेगनेंसी का कोई सीधा समय सीजन नहीं होता। दोस्तों, बिल्कुल हम इंसानों की तरह और जंगली मादा हर साल 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। गोरिल्ला का पेट में रहने का समय लगभग 8.5 महीने तक का होता है और वो आमतौर पर एक ही संतान को जन्म देती है। शायद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म दे दे, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक बार बच्चा देने के बाद 4 साल तक ब्रेक देना पड़ता है, जिसके बाद ही मादा गोरिल्ला बच्चे देने के लिए तैयार होती है। लेकिन तब तक काफी चीजें बदल जाती हैं, जिसकी वजह से उस मादा को फिर से बच्चा करने का मौका नहीं मिलता या वो जिंदा ही नहीं रहती। नवजात गोरिल्ला का वजन लगभग 2 किलो का होता है और बच्चे जीवन के पहले 3 महीनों के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंड होते हैं। इस दौरान माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चलती है और 2.5 साल तक बच्चा अपनी माँ के साथ उसी के घर में सोता है, और दिन के दौरान दोस्तों जब वो घूमता है तो उसकी पीठ पर सवारी करता है। शिशु की देखभाल मादा गोरिल्ला ही करती है। पुरुष गोरिल्ला शिशु के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखते, उनको सोशल बनाने का काम करते हैं। वो बड़े होने के बाद शिशु को आक्रामक होने से बचाते हैं। शिशु दोस्तों पहले 5 महीनों तक अपनी माँ के संपर्क में ही रहता है और दूध चूसते हैं। 5 महीने के बाद शिशु मादाओं से संपर्क तोड़ने लगती है और 30 महीने के बाद वो मादाओं से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और अलग घोंसले के अंदर सोते हैं। मादा गोरिल्ला 10 से 12 साल में और पुरुष 11 से 13 साल के अंदर परिपक्व हो जाते हैं। मादाओं के अंदर स्ट्रेस चक्र दोस्तों 30 से 33 दिन तक होता है। गर्भधारण अवधि 8.5 महीने तक चलती है। माता पर्वत गोरिल्ला पहले 10 साल की उम्र में जन्म देती है और 4 साल के अंतराल पर गर्भ धारण करती है। इसके बाद वो दूसरे समूह में शामिल हो जाती है। एक ही सिल्वर बैक ये ग्रुप के भीतर इंटरब्रीडिंग को रोकता है, जिससे मजबूत बच्चे होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और सर्वाइवल के भी। दोस्तों, जो नर गोरिल्ला होता है वो 9 साल की उम्र में महिलाओं की तुलना में थोड़ा पहले सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी प्राप्त करता है, लेकिन वो 12 से 15 साल की उम्र में ही प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। जब वो फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं, इस समय वो अपना परिवार
समूह शुरू करने के लिए महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उस परिवार समूह को छोड़ देते हैं जिसमें वो पैदा हुए थे। यहाँ पर महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए वो जोर जबरदस्ती का भी उपयोग करते हैं और कई बार दूसरे गोरिल्ला के कॉम्पिटिशन भी उनको करना पड़ता है। दोस्तों, यंग गोरिल्ला दूसरी जगहों पर आक्रमण करता है और दूसरे ग्रुप की मादा को किडनैप करने का ट्राई भी करता है। कभी कभी इस दौरान छोटे शिशु की मौत भी हो जाती है और अगर पुरुष ऐसा नहीं करता तो अपने जन समूह में वापस रहता है। इसके बाद वो सेकंड सिल्वर पैक बन जाता है जो ग्रुप की सारी मादाओं के साथ संभोग करता है और जब उसके पिता की उम्र या मृत्यु हो जाती है तो वो नेतृत्व की बागडोर भी संभाल लेता है। अगर कोई सिल्वर बैक संभावित रूप से मान लीजिए मर जाता है या दुर्घटना बीमारी का शिकार हो जाता है या इसी दौरान मारा जाता है तो इस कंडीशन में परिवार समूह अलग हो सकता है या किसी दूसरे सिल्वर पैक को भी अपना लीडर बना सकता है। ये तब तक होता है दोस्तों जब कोई और ये भूमिका संभालने में सक्षम नहीं होता है। कभी कभी कोई नया सिल्वर बैक समूह में शामिल होने के बाद सभी शिष्यों को मार भी सकता है। सारे ऐसा नहीं करते लेकिन अगर कोई आक्रामक गोरिल्ला है तो ऐसा ही करता है और ये करने का कारण ये है कि वो नहीं चाहता कि किसी और का गोरिल्ला उसके ग्रुप में रहे और ये भी एक कारण है कि उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है। नवीनतम गोरिल्ला जानकारी के अनुसार फिलहाल पूरी दुनिया में 1008 पर्वतीय गोरिल्ला हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें हमारा भी हाथ है। इनकी पॉपुलेशन दोस्तों फिर से बढ़ रही है। दोस्तों, एक और तो कई एनिमल प्रोटेक्टर हैं जो इनकी जान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो वहीं आजकल कई लोग कुछ जानवरों को देखने की भी बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं जिसके लिए वो पैसे देकर भी जानवरों को देखना चाहते हैं और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल उन जानवरों की बेहतरी के लिए किया जाता है जिसकी वजह से रुकी हुई पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। दोस्तों, वैसे तो गोरिल्ला बहुत ही ताकतवर और काफी ज्यादा विशाल होते हैं तो कई लोगों के मन में आता ही है कि गोरिल्ला खाते क्या हैं। वैसे गोरिल्ला आम तौर पर शाकाहारी होते हैं और पूर्वी गोरिल्ला के आहार में मुख्य रूप से पत्ती, अंकुर, बांस और फल होते हैं। कभी कभी दोस्तों गोरिल्ला चींटियों और घोंघे जैसे छोटे कीड़ों को भी खा जाते हैं। एक पूर्ण विकसित एडल्ट पुरुष गोरिल्ला प्रतिदिन लगभग 50 पाउंड खाना खा सकता है। ये पानी के बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है। उनका बहुत सारा टाइम खाना और आराम करने में खर्च होता है क्योंकि समूह कभी कभी अपने खाने के समय के बीच रोज कुछ 100 मीटर की दूरी तय करते हैं। चिंपैंजी गोरिल्ला का सबसे करीबी रिश्तेदार होता है जो आकार में काफी बड़ा होता है लेकिन गोरिल्ला से आकार में छोटा ही होता है और ये बहुत ही नॉटी होता है। गोरिल्ला दोस्तों शांत रहना पसंद करते हैं, हालांकि वो कभी कभी अपने ग्रुप की रक्षा के लिए इस चुप्पी को तोड़ देते हैं। एक आक्रामक पुरुष गोरिल्ला की दहाड़ भयानक होती है और किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकती है। कई फिल्मों में गोरिल्ला को काफी आक्रामक और क्रूर जानवर के रूप में दिखाया गया है लेकिन दोस्तों रिसर्च ये चीज बताती है कि जब तक उन्हें परेशान ना किया जाए तब तक वो बहुत ही शर्मीले होते हैं। जब उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है तो ऐसे में गोरिल्ला आक्रामकता दिखाते ही हैं। आमतौर पर दोस्तों ये काफी देर तक शांत रहना ही पसंद करते हैं और बाकी सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनको जैसे तोड़फोड़ करते हुए दिखाया जाता है वो ऐसी चीजों को अवॉइड करना भी पसंद करते हैं और इसीलिए ही गोरिल्ला को जेंटल जॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला जो है वो घोंसला भी बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, घास और लकड़ियों को इकट्ठा करके ये घोंसला बनाते हैं। इसके लिए वो शाखाओं की मदद लेते हैं लेकिन दोस्तों गोरिल्ला के छोटे बच्चे जमीन पर ही सोते हैं और जब भी वो कुछ बड़े हों तो घोंसलों के अंदर ही रहने लग जाते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।